हेलो गाइस, यदि आप भी घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको किस पोर्टल पर विजिट करना होगा, कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि जन्म प्रमाण पत्र बनने के दो तरीके हैं, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ जय कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्च इंजन में सिविल रजिस्ट्रेशन। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप सिंपली जो है यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन को सर्च करना है सर्च इंजन में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह पोर्टल आ चुका है और यहाँ पर सिंपली आपको इस पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है यहाँ पर नया डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का है। या पूरे देश लेवल पर है। यहाँ पर आपको किसी राज्य स्तर पर न होगी, या पूरे देश के लिए यहाँ पर पोर्टल बनाया गया है, बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन, मतलब जन्म और मृत्यु पंजीकरण यहाँ से इस पोर्टल से होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर चले आना है। आप देख सकते हैं पोर्टल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस पर आप देख सकते हैं इधर राइट कॉर्नर पर यूजर लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको नीचे में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल पब्लिक साइनअप, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक साइनअप का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है होगा, क्योंकि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, देन आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आप जनरल पब्लिक साइनअप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ को फिलअप करनी होगी। जानकारियाँ फिलअप करने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जानकारी दी गई है कि 21 दिन के अंदर जन्म या मृत्यु दोनों स्थिति में 21 दिन के अंदर आप यदि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ से आपको यह ऑनलाइन हो पाएगा 21 दिन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिन के अंदर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब जन्म या मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इससे ऊपर हो गया है तो आपको वही प्रोसेस ऑफलाइन वाला माध्यम में जाना होगा, ब्लॉक स्तर से हो या आंगनबाड़ी स्तर से हो, जहाँ से हो आप उस स्तर से करेंगे। और यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 21 दिन के अंदर आप इस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजर नेम एक ढूंढ लेना होगा, रखना होगा, किसी भी टाइप से आप रख सकते हैं। जैसे कि आप रख सकते हैं ऐसे, आप कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ABC इस प्रकार से आप चुन लेंगे यहाँ पर यूजर नेम। आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जो आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जन्म की तारीख को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जन्म की तारीख को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों हम इस कैलेंडर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले माह, जैसे कि मैं पिछले माह का सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं 27 तारीख से 27 मार्च से उधर का नहीं आ रहा है, क्योंकि 21 दिन के अंदर ही यह आवेदन होता है। इसलिए 27 मार्च से पहले का यहाँ पर दिनांक जो है सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 21 दिन के अंदर ही होता है। 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन इस माह में हो गया, और यहाँ पर अप्रैल में आज 16 अप्रैल है, 16/5/21 आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 16 अप्रैल है, 16/5/21, मतलब 21 दिन के अंदर बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सारे स्टेट दिए गए हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है आप डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है या जो भी यहाँ पर है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तालुक हो सब डिस्ट्रिक्ट हो। इसके बाद यहाँ से आप विलेज या टाउन को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ समय लोडिंग होने के बाद यहाँ से आप विलेज टाउन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ से दोस्तों रजिस्ट्रेशन यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों यदि आपका गांव का होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपका गांव होगा तो फ्रेंड्स यहाँ से आप आंगनवाड़ी या CDPO यहाँ से ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फिर से हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों यहाँ से आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब डिस्ट्रिक्ट को फिर से सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर हम विलेज टाउन को फिर से सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों विलेज टाउन को हमने सेलेक्ट कर लिया है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यूनिट ग्राम पंचायत में होगा, मतलब ग्राम पंचायत यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको इस कोड को फिलअप करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा जहाँ से आप सारी जानकारी को फिलअप करके आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पोर्टल के माध्यम से आप 21 दिन के अंदर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप डैट कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।